नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। तो गाइस, WWE का स्टंपिंग ग्राउंड्स पे प्रीव्यू हो चुका है और हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि हमने जो रिजल्ट प्रिडिक्शन की थी स्टंपिंग ग्राउंड्स के लिए, वह सभी मैचों के लिए सही बैठी। यानी कि हमारे स्टंपिंग ग्राउंड्स की प्रिडिक्शन 100% सही निकली और स्टंपिंग ग्राउंड्स में हमें वे सभी विनर्स देखने को मिले जो मैंने प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताए थे। स्टंपिंग ग्राउंड्स के लिए पहले से प्रिडिक्शन थी कि यह एक घटिया पेपर व्यू होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस पेपर व्यू में कुछ खराबी थी। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोमन रेंज वर्सेज ड्रू मैकेंटायर का मैच शानदार था। इस मैच के लिए जो WWE ने बुकिंग की वह वाकई गजब की थी और अब WWE जान चुकी है कि फैंस क्या देखना चाहते हैं। यहाँ मैच में शेन मैकमैन ने इंटरफेयर किया, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज ने जबरदस्त जीत हासिल की। मैच का वह मोमेंट शानदार था जब रोमन रेंज मैकेंटायर के ऊपर कूदते हैं। इसके अलावा WWE चैंपियनशिप का स्टील केज मैच भी काफ़ी बढ़िया था और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में रिकोशे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाइटल को हासिल किया। और मेन इवेंट में हुआ सेथ रॉलिंस और बैरन कॉर्बिन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के आने की उम्मीदें थीं, लेकिन वे यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर बैरन कॉर्बिन ने स्पेशल गेस्ट रेफरी के रूप में लेशी इवेंट्स को चुना और लेशी इवेंट्स ने मैच के दौरान सेथ रॉलिंस को डिस्टर्ब कर रही थी, जिस वजह से फैंस वहाँ पर बैकी लिंच के नाम का चैंट कर रहे थे। यहाँ पर लेशी इवेंट्स ने दो थप्पड़ और लो ब्लो सेथ रॉलिंस को मार दिए, जिसके बाद सेथ रॉलिंस की गर्लफ्रेंड बैकी लिंच वहाँ पर आ जाती है और शानदार धुलाई कर देती है लेशी इवेंट्स की, जिसके बाद रिंग में सेथ रॉलिंस अपना फिनिशिंग मूव लगाकर यह मैच जीत लेते हैं। और यहाँ पर इस तरह से सेथ रॉलिंस अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। स्टंपिंग ग्राउंड्स में सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच दोनों ही अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहे और जिस तरह से स्टंपिंग ग्राउंड्स में WWE बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस को एक साथ दिखाया, उस हिसाब से आगे की स्टोरी लाइन में वे दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कैसा लगा स्टंपिंग ग्राउंड्स पे प्रीव्यू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।